हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एसएससी सीजीएल सीसेल या एसएससी सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आज हम इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले और आइडेंटिटी के बारे में बात करी थी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा की वैल्यू जो आपको गिवन है 17/13, और जो थीटा लाइज करता है 0 to 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कास थीटा। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू 17/13, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 17/13 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कास थीटा आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा 289/169, जो कि 17 का स्क्वायर होता है 289 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस, और 2 साइन थीटा है जी, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू 289/169। यहाँ से हम निकालेंगे 2 साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 289/169 माइनस 1 इक्वल टू 289 माइनस 169 169 169। अब इधर आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 99 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 169। और ये हो जाएगा 2 sin theta cos theta इक्वल टू 120/169। अब यहाँ पे हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो इधर आ गया 2 sin theta cos theta इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हमने कर दिया है 120/169। अब देखिए जो साइन थीटा माइनस कास थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है, साइन थीटा माइनस कास थीटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे अंडर रूट साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू इसकी आ जाएगी साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin theta cos theta। अब इसको हम यहां पे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहां पे इक्वल टू इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगी 1, यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 sin theta और ये हो जाएगा कास थीटा। अब देखिए यहां पे हमने क्या निकाला था, 2 sin theta कास थीटा 1, ये आया था 120/169, यहां पे लिख देंगे 1 माइनस 120/169। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 120/169, ये यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर ही है, ठीक है। यहां से माइनस करेंगे 169 और 120, तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट का 49/169। तो वैल्यू कितनी है, ये जो 49 है ये होता है 7 का स्क्वायर, तो रूट से बाहर करेंगे 7/13 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा
सेवन अपॉन 13। देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 7/13 पहला ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7/13 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका डिटेल सोल्यूशन, कोई ट्रिक नहीं यहाँ पे, अब कोई भी समझ सकता है पूरा डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, जो फार्मूले और आइडेंटिटी याद रखनी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 2 कब आएगा। अब इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है क्या, कि साइन अगर इसको 2 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे जो अल्फा ये सेपरेट 1 हो, ये भी 1 हो, तो साइन अल्फा इसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू अगर 90 हम पुट कर दें और बीटा इक्वल टू 90, तो 90 की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा करेंगे 1, कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर बीटा भी करेंगे तो वो भी 1 आएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 या 90 डिग्री कह लें, और बीटा इक्वल टू भी पाई बाई 2 रख देते हैं। यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 2 आ जाएगा। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे कास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू कास अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पे निकाल लें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे अगर कास अल्फा प्लस बीटा होगा पाई, तो कास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो पाई बाई 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कास पाई बाई 2 की वैल्यू मतलब 90 डिग्री, कास 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे गिवन है टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर टू थीटा टेन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अगर गिवन है यहाँ पे टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू 1। हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करते हैं। कैसे आएगी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन थीटा, ये टेन टू थीटा को हम इधर भेज देते हैं, तो 1 बाई 1 बाई टेन टू थीटा, टेन 1 बाई टेन थीटा हमने बताया है क्या होता है, 1 बाई टेन थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट 2 थीटा। अब ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कॉट 2 थीटा। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, टेन 90 माइनस 2 थीटा, इसको हम कॉट 2 थीटा को लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब देखिए टेन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, तो थीटा 2 थीटा इधर आएगा एलएचएस में, तो थीटा प्लस 2 थीटा ही हो जाएगा 3 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। थीटा अगर 30 डिग्री है तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, अगर 2 थीटा निकाले यहां से 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस टेन 60 डिग्री होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3/4 प्लस √3 करेंगे
रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, तो 3:3/4, तो आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot पाई बाई 20, cot 3 पाई बाई 20, cot 5 पाई बाई 20, cot 7 पाई बाई 20, cot 9 पाई बाई 20। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं cot पाई बाई 20, cot 3 पाई बाई 20, cot 5 पाई बाई 20, cot 7 पाई बाई 20 इंटू cot 9 पाई बाई 20। अब यहां पे हम क्या करेंगे, cot जो पाई बाई 20 लिखा है उसको हम क्या लिखेंगे, cot पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 20, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 10 माइनस 9 पाई बन जाएगा। अब इसको काट 3 पाई बाई 20 क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 20, और ये काट पाई बाई 5 पाई अपॉन 20, तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे। चलिए एक बार हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे लिखेंगे काट 7 पाई बाई 20, और काट इधर हो जाएगा 9 पाई बाई 20। अब देखिए काट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है टैन थीटा, तो टैन 9 पाई बाई 20 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा टैन 7 पाई बाई 20 हो जाएगा। काट पाई बाई मतलब है 5 पाई बाई 20 का मतलब है cot pi by 4, इधर हो जाएगा cot 7 pi by 20, cot 9 pi by 20। अब भी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, tan जो हमने आइडेंटिटी बताई है, tan theta is equal to 1 by cot theta, तो ये हो जाएगा 1 by cot 9 पाई बाई 20 मल्टीप्लाई 1 बाई cot 7 पाई बाई 20। अब देखिए cot पाई बाई 4 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इंटू cot 7 पाई बाई 20 ये हो जाएगा cot 9 पाई बाई 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1 × 1 × 1 कुछ भी कर लो यहाँ पे, तो टोटल 1 आ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि ऑप्शन 1 है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल मतलब 0 to π/2 के बीच में है, और टैन थीटा यहाँ पे गिवन है, tan theta tan 3 theta is equal to 1 तो फाइंड आउट करना है 2 cos² 5 θ/2 - 1। तो देखिए सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू इसमें निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई tan theta इधर ही लिखेंगे, और tan theta tan 3 theta को हम राइट साइड में भेजेंगे, तो tan 3 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 3 थीटा। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो इधर हम लिख देंगे 2 थीटा। अब देखिए tan 2 थीटा, अब देखिए एक को हम इसको हम ऐसे लिखे रहेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे tan लिख देंगे, और pi by 2 माइनस 3 थीटा। अब देखिए 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 90 हम लिख देते हैं, 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा। अब देखिए 2 थीटा और 3 थीटा इधर आएगा, 3 थीटा तो इधर हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18,
18 डिग्री फाइंड आउट हमें करना है। 2 cos² 5 थीटा, या हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट ही 5 थीटा की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे। 5 थीटा बाय 2 माइनस 1, 2 cos² 5 थीटा की वैल्यू, 5 थीटा की वैल्यू 90, तो 90 बाय 2 माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 बाय 2 मतलब 2 मतलब cos² 45 माइनस 1, तो जाएगा 2 2 हो जाएगा इंटू 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद हम सिंपलीफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, sin 17 डिग्री इक्वल टू -1 y, देन द वैल्यू ऑफ sec 17 माइनस sin 17 डिग्री। तो इसमें sin 17 डिग्री की वैल्यू क्या क्या है, x/y। चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, मान लीजिए ये वर्टेक्स ए बी और सी है, ये थीटा है, थीटा मीन्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 17 डिग्री। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा, y² √y² - x². अगर ये 90 डिग्री है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का सम कितना होता है, अगर एक 90 डिग्री है तो अदर टू एंगल का सम भी क्या हो जाता है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 73 डिग्री। तो अब देखिए यहां से हमें वैल्यू निकालना है sec 17 डिग्री, तो sec 17 क्या होता है, सबसे पहले हम sec निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec 17 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, बेस अपॉन cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये sec की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और sin 73 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इधर, sin 73 की वैल्यू मतलब इसके सामने अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन 70, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा √y² - x² हाइपोटेन्यूज क्या है, वाई। अब देखिए वैल्यू यहाँ पे हम sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री, तो sec 17 डिग्री की वैल्यू है y/√y² - x² माइनस √y² - x² / y। ओके अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y² - √y² - x² का होल स्क्वायर। ओके यहाँ पे y² - अपान में क्या हो जाएगा, y √y² - x², तो ये आ जाएगा y² माइनस, यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा यहाँ पे, तो ये माइनस का आएगा y² - x² / y√y² - x². देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y² - y² + इधर हो जाएगा x², तो y² कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा y√y² - x², तो फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा x² / y√y² - x², ये वैल्यू किसकी है,
ये वैल्यू है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, गिवन है डाटा 2 sin π x/2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। तो इसमें लॉजिक लगाना है ये, यहाँ पे अगर अब एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें इक्वल टू 1, तो ये जाएगा 2 sin π/2, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो ऐसे तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या करें इसमें। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू रिटर्न ट्रायल करनी है, तो इसमें एक्स की वैल्यू रखनी है इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2, π/sin π/2 की वैल्यू होती है 1, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2, तो 2 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 हो। एक्स की वैल्यू 1 है, अगर एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स माइनस 1/x निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/1, 1 माइनस कितना आ जाएगा ये, सॉरी 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, कुछ दिमाग लगाना था जिसमें एक्स की वैल्यू हम कुछ ले लें उसमें वो रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 1 रखी, तो sin π/2 बन गया, sin π/2 1 होता है। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 2 होगी, इक्वल टू 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहाँ पे हम, यहाँ पे गिवन है कि ये थीटा 0 to 90 डिग्री के बीच में है, तो हम कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। मान लो हमने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ले लिया, तो sin 45 प्लस cos 45 डिग्री, तो sin 45 जो कि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 × √2/√2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, ये √2 आ जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 समथिंग होती है। तो देखिए ये एक से अधिक है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, और भी लेके हम वैल्यू चेक कर सकते हैं, थीटा इक्वल टू 30 पुट करेंगे उसमें भी आ जाएगा ग्रेटर देन 1। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन द वैल्यू ऑफ कास थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहले गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2। ये सारे क्वेश्चन जो हम अभी इसमें कवर कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के हैं। ओके तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल टू √2 cos θ, तो कास थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू में बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 cos θ का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इधर 2 cos² cos² θ। इधर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin θ कास थीटा इक्वल टू 2 cos² θ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1, प्लस 2 sin θ cos θ इक्वल टू जाएगा 2 cos² θ। अब 2 sin θ cos θ क्या होता है, sin 2 θ, अब 1 को हम इधर RHS में कर देंगे, तो 2 cos² θ - 1 जो कि होता है cos 2 θ, तो sin 2 θ इक्वल टू हो जाएगा cos 2 θ। ओके
लेकिन अभी तो हमने इससे हमने कुछ रिड्यूस करके कुछ निकालना है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है कास थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू, कास थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हम इधर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे कास थीटा माइनस साइन थीटा को, हम अंडर रूट के अंदर कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin थीटा कॉस थीटा आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। देखिए साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1, तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसको हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा। क्यों लिखा कॉस 2 थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे फिर से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1 1 माइनस 2 sin² थीटा, ये फार्मूला होता, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, डायरेक्ट हम कह रहे हैं अगर 2 2 sin थीटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 sin थीटा, √2 sin थीटा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री इक्वल टू वाई कॉस 30 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स पावर 4 अपॉन वाई पावर 4। चलिए लिखा हुआ एक्स साइन 45 डिग्री इक्वल टू वाई कॉस 30 डिग्री। अब एक्स साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। y cos 30 डिग्री मीन्स sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, तो cos उल्टा होता है, इसका मतलब हो जाएगा 2। x अपान y कितना हो जाएगा, 2√2। अब देखिए x पावर 4 और y पावर 4 यहां पे निकालना है, x पावर 4 अपन y पावर 4, तो x पावर 4 अपन y पावर 4 करेंगे, डायरेक्ट ही हमने कर दिया, तो 2√2 तो पावर 4, 2 पावर 4 √2 को हम 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई इंटू, देखिए इधर से 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, तो इधर जाएगा 2 पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 6। 2 पावर 6 आंसर में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो आपको याद रखनी है और वैल्यूज को पुट कर देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 cos A प्लस साइन ए अपॉन 1 cos A, और थीटा लाइज करता है, यहाँ पे ए है तो ए लाइज करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। चलिए तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी, तो यहाँ पे साइन ए अपॉन 1 cos A प्लस साइन ए 1 cos A, साइन ए कॉमन ले लेते हैं इसमें साइन ए, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 cos A प्लस 1 अपॉन 1 cos A, ये हो जाएगा साइन ए, एलसीएम लेंगे तो 1 cos A, इधर लेंगे तो हो जाएगा 1 cos A, 1 cos A, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 cos A 1 cos A, तो हो जाएगा साइन ए, देखिए cos A कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 ये हो जाएगा 2/1 cos², इसको हम लिख सकते हैं 2 sin A अपॉन 1 cos² होता है sin² a, साइन स्क्वायर से साइन कट जाएगा साइन ए, तो 2/2 sin A बचेगा, 2/2 sin A जो हो जाएगा 2 cos A, 1/sin A क्या होता है cos A, यहाँ पे हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 cos A, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके समझ में आया, समझ में आया सभी को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, देन द वैल्यू ऑफ रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन। तो रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन है आर साइन थीटा इज इक्वल टू वन कम आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। देखिए आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, हमें टेन थीटा हमें निकालना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन थीटा एक बार हम लिख सकते रहा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? ये हमने फार्मूले में बताया है। टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, टेन 30 डिग्री होता है वन बाई रूट थ्री। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, या डायरेक्ट ही हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। तो हमें निकालना भी है रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन, तो रूट थ्री टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। तो वन बाई रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से वैल्यू थीटा की निकालते जो कि 30 डिग्री आता, फिर से हम वैल्यू पुट करते ऐसे जिससे हमने पहले ही पुट कर लिया, तो वन प्लस वन ये हो जाएगा टू। तो टू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें फाइंड करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, आर एनी वैल्यू ऑफ थीटा हमें ये सिंपलीफाई करना है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है सेक अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन। पहला तरीका तो यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट मेथड की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे सेक थीटा माइनस वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस वन, मल्टीप्लाई कर देंगे हम सेक थीटा माइनस वन से, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते, तो सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा ऊपर आ जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए रूट हटा देंगे यहाँ पे, पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये आएगा सेक सेक थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर अपान आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। देखिए ये हो जाएगा सेक थीटा बाई टेन थीटा माइनस वन बाई वन बाई हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा इंटू टेन कॉट थीटा को हम कॉट थीटा ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इधर से यहां से तो आंसर क्या आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अब दूसरा मेथड हम यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है?
दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, हम सेमी यहाँ पे जो सेक थीटा, हम इसको लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वन बाई कॉस थीटा प्लस वन। ये बन जाएगा वन माइनस कास थीटा अपान कास थीटा, और यहां पे हो जाएगा वन प्लस कास थीटा अपान कास थीटा। तो ये कास थीटा और ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा वन माइनस कास थीटा अपान वन प्लस कास थीटा। इसमें हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वन माइनस कास थीटा अपॉन वन प्लस कास थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस कास थीटा से, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत हम करेंगे इसमें, तो वन माइनस कास थीटा क्या बनेगा, वन माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी कॉस इस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनेगा अपान अपान यहां पे हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी माइनस बी फार्मूला है, यहां पे हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से हो जाएगा वन माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो जाएगा वन और स्क्वायर हटा देंगे वन माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए वन बाई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे माइनस कास थीटा बाई साइन थीटा, तो फिर से वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने दो तरीके से इसको हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है टेन एक्स इक्वल टू साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो हमें बताना है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे गिवन है टेन एक्स इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वन बाय रूट टू, कॉस 45 क्या होता है वन बाय रूट टू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वन बाय टू। ओके तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन बाई यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हमने वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा वन, तो टेन एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन, मतलब एक्स कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि तो टेन 45 डिग्री वैल्यू वन होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल क्या है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पे साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, देखिए साइन 3a और कॉस ए माइनस 26 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए माइनस 26 डिग्री। देखिए 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस ए माइनस 26 डिग्री। ओके
यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस ए प्लस 26 डिग्री, तो 3A, एक इधर ले आएंगे तो 3A और A कितना हो जाएगा, 4A इक्वल टू इधर आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इधर आ जाएगा, 9, 9 और 2 11, तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा 116 बाई। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 2 8, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 टाइम्स आएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 29, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 29। देखिए अगर हम 3A भी करते हैं तो ये एक्यूट एंगल बनेगा, क्योंकि 29 इंटू 3 करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8 आ जाएगा, जो कि 90 से लेस दैन है, तो क्या हो जाएगी, एक्यूट एंगल है, 3A एक्यूट एंगल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 डिग्री। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5 थीटा डिग्री इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, और थीटा लाइज करता है 0 to 90 डिग्री बीच, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे साइन 5 थीटा डिग्री इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 70, कॉस 90 माइनस 70, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 70 डिग्री, साइन नाइन नाइन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से साइन 5 थीटा, तो 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 70/5, ये हो जाएगा 14, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 14 डिग्री। ओके, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू क्या होगी, गिवन है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin^4 थीटा अपॉन 2 cos^4 थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin^4 थीटा अपॉन 2 cos^4 थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा 1 माइनस 2 sin^2 थीटा, नीचे हम कॉमन लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 cos^2 थीटा माइनस 1। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इजल टू ए साइन थीटा प्लस कास थीटा एंड वाई इजल टू बी साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन है एक्स इजल टू ए साइन थीटा प्लस कास थीटा और वाई इजल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू निकालेंगे यहाँ एक्स अपान ए की, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई अपान बी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन अगर ए है 1 है या 2 है, इनको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर
ये इधर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू इसकी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, और सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। 2 गिवन है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। देखिए इसको हम इधर ले जाएं, या सबसे पहले चलिए हम 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, अब माइनस से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस में थे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉस थीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से 2 कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा भी फिर से कॉमन होगा कॉस थीटा प्लस 2, और एक ब्रैकेट में जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 2 नहीं हो पाएगी जो कि गलत है, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इसको हम ये वैल्यू हम लेंगे, तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये होता है कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर टेन अल्फा की सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1/ सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1/ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1/ कॉस स्क्वायर अल्फा,
एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा यहाँ पे, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये बच जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे वन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे हम यहाँ डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी है, टेन सॉरी टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है, टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो ये टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, तो वन प्लस फोर, तो वन माइनस फोर क्या हो जाएगा, वन माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस फोर माइनस का थ्री और वन प्लस फोर फाइव, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस थ्री बाई फाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो आज मैं आज ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए थे, बस आज हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, आगे आने वाले लेक्चर में और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल सकते हैं। अगर आप और लेक्चर ऐसा चाहते हैं तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज हेल्पफुल वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।